दोस्तों जैसे आपको बता दें, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो दोस्तों आपका डाटा यूज हो जाता है ऑटोमेटिक। कोई भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक दोस्तों चलता रहता है आपके बैकग्राउंड में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से आप आसानी से उस ऐप को आप बैकग्राउंड से बंद कर सकते हैं उस सेटिंग से ऑन करके। तो आपके आप जब ओपन करेंगे तभी आपको बैकग्राउंड में मतलब आपका व्हाट्सएप चलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप किस तरह से आपको उसको बंद करेंगे, किस तरह से ऑन करेंगे। तो दोस्तों चलिए सेटिंग में ओके करते हैं, क्लिक करते हैं। दोस्तों सेटिंग को क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से ओपन होगा। दोस्तों इस तरह से ओपन होगा तो आप जाएंगे इस सेटिंग में। तो दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों ऐप्स मैनेजमेंट में जाएंगे, ऐप्स मैनेजमेंट में जाएंगे, ऐप्स लिस्ट में जाएंगे। दोस्तों ऐप्स लिस्ट में जाएंगे तो उसको क्लिक करेंगे दोस्तों। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आएगा। तो इस तरह से आने के बाद दोस्तों आप व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें दे रहा है आपको, इसमें बैकग्राउंड परमिशन दिया है दोस्तों, तो उसको परमिशन को क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगा नीचे, बैकग्राउंड डाटा। दोस्तों बैकग्राउंड डाटा को ओपन करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों बंद हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आजमाएंगे तो दोस्तों आपको हर एक ऐप्स को ऐसे बंद कर देंगे। तो इस बंद करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जो डाटा यूज होता है ऑटोमेटिक उसको सेव कर सकते हैं अपन आसानी, जो यूज करेंगे आसानी से यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल को डाटा को सेव कर सकते हैं और कभी भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड को डाटा को सब बैकग्राउंड को डाटा को बंद करके अपने मोबाइल को सेव करके सुरक्षित रख सकते हैं और बहुत अच्छा तरीके से आप डाटा MB को यूज करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।